अपडेट आपको दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से, और अभी एक पंजाबी युवा मिले हैं, सरदार जी मिले हैं हमें, यूथ है इनके अंदर से, हमें सनी देओल की खुशबू आई, और अभी हम इनसे बातचीत करते हैं क्या कहना चाहेंगे, इस आंदोलन में आए हैं और डटे हुए हैं लगातार। कहाँ से आए, थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएं खुद को। मेरा नाम राजसंधु है और मैं तरन तारण डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ जी। आप सनी देओल की आवाज़ में यहाँ मोटिवेट कर रहे थे पब्लिक को और बता रहे थे किस प्रकार से आज के दिन सनी देओल जी के, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, बड़े स्टार हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बीजेपी से वो जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं इन लोगों को यही बता रहा हूँ, लेकिन जो सनी देओल जी हैं वो अभी तक बाहर नहीं आए, जैसे बोल दूँ कि मिल से बाहर नहीं आए, अभी उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया किसानी को लेकर, जबकि वो पंजाब से MP चुने गए थे, तो उनको चाहिए था कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था, हाथ में नहीं तो कम से कम ये तो बताते उनकी सोचनी क्या है, उनकी थिंक क्या है इस किसानी को लेकर। तो मैं यही उनकी आवाज़ में आप इन लोगों के सामने वही बता रहा था कि सनी देओल क्या सोच रहे हैं, आपके माध्यम के तहत भी मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ। अरे किसान किसान करते रहते हो, इन किसानों ने किया क्या मेरे लिए, क्या किया इन्होंने, कम से कम 3 से 4 फिल्म देखे होंगे, और बीजेपी ने मेरे लिए क्या क्या किया है, मुझे MP बनाया, मुझे पार्लियामेंट में टिकट दी, मुझे मंत्री बनाया, तो मैं बीजेपी के लिए बोलूँगा ना। हाँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बीजेपी का कुत्ता हूँ, दल्ला हूँ मैं बीजेपी का, उसी के लिए बोलूँगा। आप लोग कैसे बोल रहे हो कि मैं किसानों के लिए बोलूँ, किसानों ने क्या किया है, अन्न पैदा कर दें वो हम भी पैदा कर सकते हैं, हमारे मोदी जी जब इन लोगों की ज़मीन छीन लेंगे ना तो वो रिलायंस को देंगे, अंबानी अडानी को देंगे, तो हम इन लोगों को इन्हीं लोगों की ज़मीन से अनाज पैदा करके इन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेचेंगे। अब जो 19 रुपये में बिकती है ना, तो जाकर पता कर लीजिए मॉल में 45 रुपये में मिलेगी आपको, 45 रुपीज़ में, तो हम इनके लिए क्यों बोलें, आप बताइए जी। आपने काफ़ी अच्छा बोला, और हालांकि हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि सनी देओल जहाँ भी हैं वो किसानों के बारे में ज़रूर सोचते होंगे, क्योंकि वो भी उस इलाके से आते हैं जहाँ पंजाब जो एक इलाका है, धर्मपाजी की बात करें, वो हमेशा समाज की बातें करते आए हैं, उनकी फैमिली समाज के लिए जुड़ी रही है, अभी जो हालात हैं वो एक अलग मुद्दा है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये जो कलाकार यहाँ पर मौजूद रहते हैं, अभी भी पंजाब के बड़े कलाकार आए हैं, दूसरे कलाकार आए हैं, और बॉलीवुड में भी दिलजीत दोसांझ की बात करूंगा मैं, उनकी बात चल रही है, अभी कंगना का डिबेट आता है, उस तरफ से दिलजीत का कमेंट ट्वीट जाता है, क्या कहना चाहेंगे ये जो मुद्दा है? देखिए, आप मेरे फादर साहब जो भी हैं वो सुनाम से हैं, सुमाना से हैं, पंजाब से हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं पंजाब का ही बनकर रह जाऊँ, मैं बीजेपी का ही हूँ और बीजेपी का ही रहूँगा। तारीख पर तारीख मोदी जी से डर रहे हैं कि जो जो किसान जहाँ पे धरने पे बैठे हैं ना, इनको आजमाना चाहते हैं ये कितनी देर बैठ सकते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, लेकिन कभी तो जो इनका जो हौसला वो टूटेगा ना, तो वो घर भाग जाएंगे। अगर नहीं भी भागेंगे तो आपने देखा होगा, हमने कल 13 आदमी को बुलाया था मीटिंग के लिए, बाकी किसी को नहीं बुलाया, वो इसीलिए बुलाया था कि जो इनकी जथेबंदी है ना उनमें हम फूट डालेंगे और इन्हीं पर राज करेंगे, ऐसे फूट डालेंगे और इनको यहाँ से भगा देंगे। अगर ये नहीं भागेंगे तो आपने ये भी देखा होगा कि इसी आंदोलन में 3-4 लड़के और लड़कियाँ भी पकड़ी गई हैं, वो हमने इसीलिए घुसपैठ के लिए डाली हैं कि इसके बीच जाओ और घुसपैठ करो, ताजो हम इनका जो भी शोषण कर सकें, इन पर लाठीचार्ज कर सकें, जहाँ तक अभी नौबत आई ना तो हम इस पर गोली भी चलाएंगे। मारा मोदी है, हर हर मोदी है, तो घर घर मोदी है। आपका जो 2.5 किलो का हाथ है वो भी कुछ इस आंदोलन में भागीदारी देगा या नहीं फिर? अरे देखिए भाई साहब, जो 2.5 किलो का हाथ उठेगा तो सिर्फ बीजेपी के लिए उठेगा, इन किसानों के लिए नहीं उठेगा। इन किसानों ने किया क्या है जहाँ पे लंगर लगा रहे हैं, अरे ये कौन सी बात है, लंगर लगा रहे हैं, कौन सी खुशी मना रहे हैं, जो लोग जहाँ रोज पे आए ना तो रोज करें ना, खीर के पकौड़े के, खीर का लंगर, पकौड़े का लंगर, जलेबी का लंगर क्यों लगा रहे हैं? अरे मैं भी जहाँ पे आया हूँ खाऊंगा पीऊँगा मस्ती करूँगा, शाम को चला जाऊँगा, मच्छर ये लोग लड़ाएंगे, हम नहीं लड़ाएंगे, हम तो इनको मारेंगे और मारते रहेंगे, हम बीजेपी के हैं, बीजेपी के ही रहेंगे। थोड़ा सा अपनी आवाज़ में बात करेंगे, अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले आप भी कलाकारी करते हैं कुछ, थोड़ा आपकी भी एक मूवी आने वाली है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। हाँ जी, मैं पंजाब से हूँ और आर्टिस्ट हूँ, थिएटर भी करता हूँ, अभी मेरे बॉलीवुड में मूवी आ रही है सरदार उधम सिंह, उसमें मेरा करेक्टर है, और पंजाब में मैंने बहुत सी मूवी की हैं, शॉर्ट मूवी भी किए हैं, फीचर भी किए हैं, लव पंजाब की थी अमरिंदर गिल बाजी के साथ, तो मैं पंजाबी में यही बोलना चाहता हूँ, जदों कदे भी इनकलाब उठा
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਮਜਨੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸਿਰ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਪਰ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਗਈ ਨਾ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਡੱਕਰੇ ਡੱਕਰੇ ਜਿਸਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਰ ਸੀਣਾ ਕਿਹਾ ਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਤਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਓਏ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਅੰਦਰ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਰੰਬੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੱਸੀ ਸਵਾਹ ਮਲਨੀ ਉਹ ਜਿਸੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇੜਦੇ ਰਹੇ ਜੋਗ ਲਿਆ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਰਹੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਿਸ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਛੱਡੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬਤਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਬ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕੀ ਬਾਤ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਬਾਤ ਆਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਜੂਨੀਅਰ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਬਣ ਕੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਕੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਥੇ ਵੋ ਅਲੱਗ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਕੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕੀ ਔਰ ਉਨਕੇ ਮਨ ਮੇਂ ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਾ ਵੋ ਹਾਲਾਤ ਉਨਕੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੈਸਾ ਵੀ ਆਪਕੋ ਲਗਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਈਏਗਾ ਹਮਾਰੀ ਐਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕੇ ਲੀਏ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏਗਾ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੈ ਹਿੰਦ